आज आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ओरेकल में से हम 10 कार्ड लेंगे और टैरो में से 5 कार्ड। जैसा कि सुबह की रीडिंग में मैंने बताया था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो शायद आवाज आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये हो गए 10। आप टैरो में से देखते कौन से 5 कार्ड मिलते। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। पहला ही कार्ड है एम्प्रेस का, तो आपकी पर्सन आपको एम्प्रेस की एनर्जी में समझ रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आप कितनी ब्यूटीफुल है इसके बारे में कुछ ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। और अगर आप कोई मेल पर्सन है तो आपकी पर्सन यही सोच रही है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रही है और उन्हें पता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे वो सिर्फ अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं कि ये पर्सन चाहते हैं कि चलो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ प्लानिंग करते, वैसा नहीं। आप जब खुद फैसला करेंगे या करेंगे कि हाँ मुझे ये जिंदगी में चाहिए या इस तरफ ही जाना है तो ही आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से शायद कुछ एनर्जी के बारे में वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द हैंगमैन। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन उल्टे पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देख रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन आपके नजरिए से कुछ चीजें देखने की या फिर महसूस करने की कोशिश कर रहे, मतलब आपकी जगह पे रख के ये कैसा फील करता होगा या ये कैसे फील करती होगी एज अ फेमिनाइन या एज अ मस्कुलाइन, ये थोड़ा एनर्जी वो चेकआउट कर रहे हैं ताकि उन्हें आगे की जो एक्शन लेनी है वो ऐसे स्टकनेस की एनर्जी में वो नहीं चाहते। मतलब क्लियरली वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बात करने से पहले या फिर एक्शन लेने से पहले आपके नजरिए से वो बात कितनी सही है या कितनी गलत हो सकती है इसके बारे में भी शायद थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे ये लेडी अपने कप को लेके बहुत ज्यादा उदास है और ये पिजन बता रहा है कि इसको शांति चाहिए, वैसे ही आपके पर्सन प्यार को लेके जब भी सोचते हैं तो उन्हें सुकून तो महसूस होता है कि हाँ उन्हें जिंदगी में प्यार तो मिला है लेकिन शायद आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ से कोई रोमांटिक गेस्चर मिलने के लिए राह देख रहे हैं। कोई भी सिंपल मैसेज या फिर मैजिकल वर्ड्स या कोई भी, जिसकी वजह से इन्हें ये एहसास हो कि राइट नाउ आप भी उनके बारे में सोच रही है या सोच रहे हैं। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं वो आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है, तो शायद ये किसी से कुछ बातें डिस्कस भी कर रहे हैं, यानी कि उसके रिएक्शन क्या हो सकती है उस कम्युनिकेशन की। जैसा कि पहले ही हमने यहाँ पे देखा कि कुछ बात करना चाहते हैं वो, लेकिन शायद अपने फ्रेंड सर्कल में हो या फिर अपने वेल विशर के साथ पहले वो बात डिस्कस कर रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका रिएक्शन क्या हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें क्लैरिटी मिले। जैसे यहाँ पे अगर पानी हिलता रहा तो यहाँ पे हम क्लियरली पिक्चर नहीं देख पाएंगे जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन अगर यही पानी स्टेबल है तो कोई भी इस रिफ्लेक्शन को देख पाएगा। तो शायद ऐसे ही आपके पर्सन सबसे थोड़ा सा सलाह मशवरा करके राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, 2 बार 6 6 आया है, तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं कि एंजल नंबर क्या बताते हैं। तो मे बी आपका या उनका साइन हो सकता है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन किसी की हेल्प कर रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन जिंदगी में ऑलरेडी सबकी हेल्प कर रहे हैं, उनका शायद बहुत अच्छा नेचर हो सकता है और शायद ये गिव एंड टेक करते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी
उनके जैसे ही है या उनके जैसे ही है, मतलब ये आपके साथ ये एनर्जी बैलेंस फील करते हैं। जैसे इन्हें शायद लोगों की मदद करना पसंद है, वैसे ही उन्हें लगता है कि आप भी वैसे ही है या वैसे ही है। मतलब आपको भी शायद वो ऐसे इमेजिन करते हैं जो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो शायद इसलिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ताकि आपको कुछ इमोशनल हर्ट ना पहुंचे। इमोशनल ब्लैकमेल, ये डर है उनके मन में कि वो अपनी बात अगर आपसे कहेंगे या कहेंगे तो आपको कहीं ये ना लगे कि ये पर्सन आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, और ये वो नहीं चाहते। इमोशनली आपसे कनेक्ट तो हो चुके हैं और अपनी बात भी आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि ये ट्रैक ब्लैकमेल का आप ना समझ लें। फैंटेसीज, तो जैसे सबकी अपनी अपनी फैंटेसीज होती है जिंदगी में, ऐसा नहीं कि कोई एक राशि का है तो सब लोगों की सेम ही फैंटेसीज होगी। हर एक का नजरिया, हर एक की सोच बहुत अलग होती है। वैसे ही इस पर्सन की जो फैंटेसीज हैं आप दोनों को लेके, फ्यूचर को लेके या फिर किसी और बात को लेके, उसके बारे में ये सोचते रहते हैं, इनर चाइल्ड। तो जैसे हर एक पर्सन के अंदर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ होता है। जैसे हम अभी अगर इस पल में मैं कहूँ आपको कि आप अपना चाइल्डहुड याद कीजिए, तो आपको वो सब शरारतें याद आ जाएंगी, या फिर वो सब पल जहाँ पे आप कभी रोए थे, आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ था, आपको अपनी मॉम की बहुत याद आई थी, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बिताया हुआ लम्हा जिसमें आपने बहुत ज्यादा कुछ एंजॉय किया था। तो ऐसा इनर चाइल्ड सबके अंदर एक छुपा हुआ होता है, तो उस बात को लेके भी ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चाइल्डिश बिहेवियर वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब वो आपके ख्यालों में होते हैं या फिर आपके साथ में होते हैं। मतलब मैच्योर होते हुए भी ये चाइल्डनेस वो जिंदा रख पाते पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। तो शायद आपके अंदर भी ऐसा एक छोटा सा बच्चा है जो शायद अपने दिल की हर एक ख्वाहिश पूरी करने के बारे में आज भी सोचता है, और इसीलिए शायद ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी बात रखने से पहले यही सोचते हैं कि कहीं मेरी बातों से इसका दिल ना दुख जाए। फ्रस्ट्रेशन, तो थोड़ा सा जैसे यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी है, तो कुछ बातों को ये सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने नजरिए से देखने के बजाय ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है शायद थोड़े से फ्रस्ट्रेशन की। तो ऑब्वियस है कि कुछ बातें जब समझ में नहीं आती और दिमाग काम करना बंद कर देता है या फिर कुछ उल्टा सुलटा ही बोलने लगता है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होता है। तो शायद इस पर्सन को आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन की भी जरूरत है। नीड टू लिसन मोर, तो उन्हें शायद ऐसा लगता है कि उन्हें और ज्यादा केयरफुली सबकी बातें सुननी चाहिए, आपकी सुननी चाहिए, बाकी लोग जो सजेशन दे रहे हैं उनकी सजेशन सुननी चाहिए, यानी कि जो जो लोग इनके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं उन सब की बातें ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप सब लोग इनके लिए अच्छा ही सोचते हैं और इनके लिए कुछ अच्छा ही चाहते हैं। अप्लेयर, यही डर उन्हें बार बार सता रहा है कि आप उनको एक प्लेयर की एनर्जी में ना देखें। शायद इन पास्ट मे बी कॉलेज लाइफ में ये पर्सन कुछ प्लेयर टाइप एनर्जी में रहे होंगे, हो सकता है। इट डजंट मीन कि सबके लिए ये कार्ड जाता है, लेकिन अब जब भी वो अपनी बात कुछ कहने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें यही एहसास होता है कि दोबारा ये ट्रैप उन्हें नहीं चाहिए। मतलब आप कहीं उन्हें प्लेयर ना समझ ले, वो सीरियस है आपके बारे में। रिकनेक्टिंग विद पास्ट, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि प्लेयर और ये रिकनेक्टिंग विद पास्ट, तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, लेकिन शायद जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो शायद पास्ट में बहुत सारी फन रिलेशनशिप में भी रह चुके होंगे। मतलब कॉलेज में हर एक के साथ कोई सीरियस रिश्ता होता है ऐसा नहीं, लेकिन शायद एंजॉयमेंट में इन्हें कुछ बातें पास्ट की याद आती है, जहाँ पे शायद उनके फ्रेंड सर्कल में इस पर्सन को एक प्लेयर की एनर्जी से काउंट किया जाता था। रोमांस, तो अब इनके दिल में जब भी ये रोमांस की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये पास्ट की बातें उन्हें याद आ जाती हैं, और शायद इसी वजह से वो थोड़ा सा डरते हैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने के लिए। नेक्स्ट है रोमांटिक पार्टनर, तो आपको ये अपना रोमांटिक पार्टनर समझते हैं, और शायद इसीलिए आपकी तरफ से कोई हिंट मिले या फिर कोई बात स्टार्ट हो तो ये अपनी बात कहे, ऐसा शायद कुछ इमेजिन कर रहे हैं। फीलिंग लेफ्ट आउट, तो उन्हें शायद राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ से उन्हें जो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उसकी वजह से ये थोड़े से अकेलेपन की एनर्जी में ज्यादा खुद को फील कर रहे हैं। लेफ्ट आउट यानी कि थोड़ा सा इग्नोर होना, या फिर अपने ही काम में आप बिजी है
और इनको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस तरह की कुछ बातें शायद इनके दिमाग में आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है कि ये पर्सन राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इसी वजह से उनके मन में बार बार यही ख्याल आ रहे हैं कि आपकी तरफ से मैसेज या कॉल क्यों नहीं आया। तो इस तरह की कुछ एनर्जी है, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।